बहुत ही विशाल कर बीच है, देख सकते हो। हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग, कैसे हो? मैं दीपक कुमार, आप देख रहे हो ट्रेडिशन ब्लॉग। सो गाइज, अभी 9 बजे हैं और चलते हैं हम कल्प वृक्ष धाम। अम्बा से 5 किलोमीटर दूरी पर पड़ता एक गांव है, कल्प वृक्ष धाम उसी गांव में स्थित है, तो चलते हैं कल्प वृक्ष धाम। तो फाइनली गाइज, हम पहुंच चुके हैं अम्बा सतबहिनी माता धाम, देख सकते हो आप। इस सतबहिनी माता का भी मान्यता यहां दूर दूर तक है। तो गाइज, देख सकते हो फाइनली हम पहुंच चुके हैं अम्बा बाजार, देख सकते हो आप। और यहां हम खड़े हैं चौमुहान पर। देख सकते हो गाइज, कितनी बारिश हो रही है। अभी हम परता गांव में हैं और परता गांव में जैसे ही पहुंचे बारिश स्टार्ट हो गई, अच्छा खासा बारिश हो रही है, देख सकते हो आप। और हम लोग अभी यहाँ इस अधूरे बने घर में हम लोग अभी छुपे हुए हैं, बारिश के चलते, भीगने के चलते छुपे हुए हैं, आप देख सकते हो। मेरे साथ सुनील जी भी हैं। हम लोग जा रहे हैं कल्प वृक्ष। सो गाइस, देख सकते हो फाइनली हम पहुंच गए हैं कल्प वृक्ष धाम पर, कल्प वृक्ष धाम। श्री कल्प वृक्ष धाम कृष्णापुरी ठाकुरबाड़ी परता, ग्राम परता अम्बा कुटुम्बा औरंगाबाद, देख सकते हो आप। फाइनली हम आ गए कल्प वृक्ष धाम। ये जो आप देख रहे हो कल्प वृक्ष धाम, एक कल्प वृक्ष है, देख सकते हो आप, बहुत ही विशाल कल्प वृक्ष, बहुत ही विशाल कल्प वृक्ष है। कल्प वृक्ष धाम के चारों ओर पक्के की चबूतरा बनाया गया है, देख सकते हो आप। यहाँ हनुमान जी विराजमान हैं कल्प वृक्ष के जड़ के पास, दुर्गा माँ का
प्रतिमा स्थापित है, देख सकते हो आप। ये शीशे में पैक किया गया है इनको, इनका मूर्ति को कोई हानि नहीं हो। सत्यम शिवम सुंदरम, देख सकते हो पंचमुखी महादेव स्थापित हैं। माता गौरी हैं, नंदी महाराज हैं, इन्हें पंचमुखी महादेव कहा जाता है। कल्प वृक्ष के बगल में ही सीताराम मंदिर देख सकते हो आप, बड़ा ही भव्य और खूबसूरत, बहुत ही पुरानी मंदिर है। राम लक्ष्मण सीता जी का मूर्ति स्थापित है और बगल में वीर हनुमान। बहुत पहले 1915 ईस्वी कब का बना हुआ है ये? 1915 ईस्वी का मंदिर बना है। 1915 ईस्वी का बना हुआ है, करीब 100 साल से ऊपर का ये मंदिर है। अच्छा, एक थोड़ा सा हमें बताइए आपकी कल्प ब्रिज जो है, कल्प वृक्ष क्यों कहते हैं इन्हें और इसमें खूबी क्या है? कल्प वृक्ष आखिर क्यों कहा जाता है, इसके बारे में कोई जानकारी है आपको? हाँ बताइए। कल्प वृक्ष एक किस चीज का वृक्ष है? कोई दिक्कत नहीं। समुद्र मंथन जब हुआ था, हाँ हाँ मिलकर के जब समुद्र को मंथन किए थे, हाँ उसमें 14 रत्न निकले। अच्छा, उसी 14 रत्न में एक कल्प वृक्ष है, सातवां रत्न जो है। अच्छा, तो ये स्वर्ग में महाराज इंद्र के पास कल्प वृक्ष तो स्वर्ग में थे, तो इनको द्वापर में कृष्ण भगवान अपने पत्नी के सतभामा का जीत पर इनको धरती पर लाए थे। अच्छा, एक कहानी। कल्प वृक्ष का मतलब है, कल्प मतलब कल्पना, और वृक्ष मतलब होता है देना। इनके छाया के नीचे जो भी आप कल्पना कीजिएगा वो पूरा होगा, इसी का देन है। देखिए, ये बंगाली स्टेट का मंदिर बनाया हुआ ना, ये जो आप कल्प वृक्ष जहाँ पर है वहाँ बंगाली स्टेट का ही राज चलता है। अच्छा अच्छा, तो बंगाली राजा का कोई संतान नहीं। और बगल में देखिए, थोड़ा सा इधर कैमरा कीजिए, वो जो झंडा लगा हुआ है वो कल्प वृक्ष का वही चिन्हित किए थे, उनका नाम था हरे राम ब्रह्मचारी। अच्छा अच्छा, वो हफ्ता में एक दिन मात्र कुमार बाछी का गोबर खाते थे और नदी में अपना हाथ निकाल करके साफ करते। अच्छा, तो बंगाली का राज था और यहाँ पूरा जंगल था। बगल में किशनपुर गांव था, तो वहाँ का मतलब माली लोग फूल तोड़ने यहाँ आते थे और राजा को पहुंचाते थे वहाँ। तो जब माली लोग आए तो ये बाबा से दर्शन हुआ। ये बाबा जो वहाँ पर जो झंडा स्थापित है तो बाबा जब यहाँ पूरा पता उता लगा हुआ था, वो साफ करके यहाँ धुनीराम आते थे। जब उनको बाबा से दर्शन हुआ तो पूछे कि बाबा से हम लोग इसको फूल तोड़ करके यहाँ ले जाते हैं, तो बाबा माना किए कि नहीं, ये कोई साधारण फूल नहीं है, ना फूल नहीं तोड़ना है। और तो बाबा से पूछे कि इनका आखिर देन क्या है, मतलब इनका महानता क्या है, तो बाबा बताए कि ये कल्प वृक्ष है, इनके छाया के नीचे जो भी मन्नत मांगा जाए वो पूर्ण होता है। तो बंगाली का कोई संतान नहीं था, तो मलबोरी लोग जाकर के कहा बंगाली राजा को, और बंगाली राजा जो है से पैदल दूहू विकत यहाँ आए हैं, बाबा से पूछे हैं, तो बाबा बताएं कि इनके
अति छाया के नीचे आप जो मांगते हैं मांगिए वो पूरा होगा। अब पूरा जब उनका लड़का हुआ संतान हुआ तो मंदिर का निर्माण करवाया, निर्माण किए और वह दिन से ही ठाकुरबाड़ी के भी नाम से जाना जाता है। जी जी, कल्पवृत्त धाम कृष्णपुरी ठाकुरबाड़ी के नाम से भी जाना जाता है। और वही श्याम बाबू का जो श्याम मार्केट कलकत्ता में है, सबसे पुराना मार्केट। अच्छा अच्छा, श्याम बाबू का जन्म यही का दिन है। अच्छा अच्छा अच्छा, इनका महत्व है। चलिए धन्यवाद आपको जानकारी देने के लिए। देख सकते हो आप श्री कृष्ण राधे माँ और बलराम जी की पत्नी रेवती जी हैं। महादेव जी का मंदिर है और कहा जाता है कि सबसे पुरानी मंदिर यही है। देख सकते हो आप, बजरंग बली यहाँ स्थापित हैं। जो यहाँ कल्प वृक्ष आप देख रहे हैं उनका महंत हुआ करते थे, जो अब नहीं है, उनका नाम था नागा गणेश दास, जो उन्हीं का यहाँ पर सिंहासन है, यही उनका स्थान था। यह है नागा गणेश दास, देख सकते हो आप। देख सकते हो आप महादेव जी यहाँ विराजमान है, महादेव जी का मंदिर है। बहुत विशाल वट वृक्ष, और ये गौशाला है, एक कल्प वृक्ष धाम का ही गौशाला है। और यहाँ गाय अभी तो कम है ना संख्या में, तो आप ये सारे कल्प वृक्ष धाम का गौशाला है। कितना चारों तरफ सुंदर नजारा, आपको बहुत ही सुंदर व्यू आपको दिखाई देगा यहाँ से, देख सकते हो आप। और दर्शन द्वार है, देख सकते हो गाइज, ये दर्शन द्वार है। ये जो आप देख रहे हो रास्ता, ये आगे नदी है, नदी में चली जाती है। नदी में स्नान ध्यान कर लोग यहाँ आते हैं, कल्प वृक्ष का दर्शन करते हैं, देख सकते हो आप। ये जितने भी बागवानी आप देख रहे हो, ये सारे कल्प वृक्ष धाम का ही बागवानी है। अच्छा, यहाँ जो दूध जो डाला जाता है, ऐसे हम सुने हैं, ऐसे तो हम लोग तो पहला बार यहाँ पर आ रहे हैं, लेकिन हम लोग सुने हैं कि पर डे यहाँ डेली दूध चढ़ता है। हाँ, तो थोड़ा सा जगह स्थान बता दीजिए हमको। दूध डाला जाता है। अच्छा, ये जो है देख सकते हो गाइज, यहाँ से दूध चढ़ाया जाता है और सीधे जो है यहाँ से जाएगा और इनके कल्प वृक्ष के जड़ तर दूध पहुंच जाएगा, देख सकते हो। बनाया गया है उस तरह का, बनाया गया है रास्ता। हर दिन यहाँ दूध चढ़ाया जाता है गाय का, और मान लीजिए कि गाय का ही सिर्फ। हाँ, गाय का ही दूध चढ़ता है, बाहर से भी आदमी लेके आते हैं, तो सिर्फ गाय का ही दूध चढ़ता है, भैंस का नहीं चढ़ता है। भैंस का नहीं। अभी जो फिलहाल कल्प वृक्ष धाम के पुजारी हैं, देख सकते हो बाबा हैं। फाइनली हम कल्प वृक्ष धाम के गेट से बाहर आ रहे हैं।
देख सकते हो गाइज, नागा गणेश दास जी जो यहाँ के महंत थे उन्हीं का स्टैचू बना हुआ है और उनका समाधि था यहाँ पर ना, उनका यहाँ गणेश दास जी यहाँ पर समाधि लिए हैं। मंदिर के चारों ओर इतना खूबसूरत नजारा आपको दिखाई देगा, आप देख सकते हो बेल का वृक्ष, आम का वृक्ष, यहाँ सबसे नामी आम का वृक्ष है, कहीं तो है ये नहीं। अच्छा, ये किस तरह का आम है? ये दूधी मालदा है। अच्छा, दूधी मालदा। हाँ, दूधी मालदा। नहीं, आम नहीं, मतलब हम लोग तो नहीं देखे हैं कि यहाँ पर आम ये मिलता है। आप फलता है तो देखे हैं इसको? हाँ, फलता है तो बड़ा बड़ा फलता है। बड़ा बड़ा फलता है ना, और ये पेड़ लमसम 150 वर्ष से ऊपर का है अभी। हाँ, ये वृक्ष आम का है, 150 साल से ऊपर का है। वो बड़ा वाला है? सो हाँ, वो होगा, विशाल है भी, देख सकते हो गाइस, 150 वर्षों से ऊपर का आम का वृक्ष है, देख सकते हो आप। सब दिन इसका मार्केट में आप 40 रूपए आम खाते होंगे ना मालदा। हाँ हाँ हाँ। 120 रूपए इन साल भी बिका, समझ गए ना। और इसका ऑर्डर मतलब रहता है कि 20 किलो हमरा रख दिया, 50 किलो हम। हम लोग चलते हैं घर की ओर, देख सकते हो आप, पंचमुखी धाम के ग्राउंड से हम लोग बाहर निकल गए, अब चलते हैं हम लोग घर की ओर। सो गाइस, देख सकते हो फाइनली हम पहुंच गए अपने घर पे और अभी रात के 9 बजने वाले हैं और ब्लॉग को यहीं समाप्त करते हैं। अगले ब्लॉग में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।